ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास बोल में आज हम आपके सामने लेकर आए हैं विषय पत्रकारिता से जुड़ा हुआ, जो हमारे लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ है, वो मीडिया। ये भी अब बिक चुका है, और इसकी बिकवाली में ऐसे नाम सामने आए हैं जो कि कभी अपने आप को राजा हरिश्चंद्र से भी बढ़कर मीडिया में पेश करते आए, और उनके ग्रुप भी उनको ब्रांड एम्बेसिडर तो क्या, लेकिन लोगों के आइकॉन की तरह सामने पेश कर रहे हैं। देश के लीडरशिप का भी दुर्भाग्य है कि जिन्होंने जिनको पद्मश्री दी गई है, ऐसे लोग बिकवाली के एक पात्र थे, ये भी सामने आया है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। बोलिए। हाँ बोलिए। हेलो, आप लाइव में जुड़ चुके हैं, बोलिए क्या कहना चाहते हैं। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार सर, आज सुबह ही मैं एक प्रोग्राम देख रहा था अपना टीवी में, जो कि एक फिल्म थी अपना सुदाम सेन पर। हेलो, बोलते रहिए आप। सुदाम सेन पर एक फिल्म थी जिसने अपने दामाद को देश के साथ गद्दारी करने में, देश के साथ गद्दारी करने पे उसने अपने दामादों को मार दिया, सजा दी। तो क्या हमारे देश में मीडिया ऐसी कभी क्रांति लाएगा जिससे कि देश के गद्दारों को, भ्रष्टाचारियों को सजा मिले? क्योंकि आज में जो मीडिया है वो दो दिन के लिए सिर्फ सामने कोई भी खबर को दो दिन के लिए लाता है, उसके बाद वो खबर कहाँ गायब हो जाती है। लेकिन राजेश जी यहाँ पर तो खुद मीडिया ही दलाली कर रहा है। आप तो मीडिया को सजा सुनानी पड़ेगी, आप तो मीडिया द्वारा। अभी कुछ देर पहले मनोज जी ने कहा था कि तीन स्तंभ है जी देश को चलाने के लिए, तीन, मैं कहता हूँ चार स्तंभ है। एक है मिनिस्ट्री, और दूसरा है डिफेंस, और तीसरा है हमारे देश की कोर्ट, और चौथा ये मीडिया है। लेकिन ये भी ऐसा ही है तो फिर हमारा देश तो भगवान भरोसे चल रहा है। बिल्कुल, धन्यवाद। देश भगवान भरोसे चल रहा है ऐसे हमारे कॉलर कह रहे हैं, और भगवान भरोसे अगर हमको छोड़ना है तो चुप बैठिए, और अगर भगवान भरोसे नहीं छोड़ना है, हालांकि भगवान भरोसे तो इनसे बेटर चलेगा, लेकिन फिर भी हमें अपनी व्यवस्था कायम करनी है तो गलत व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाइए। और एक कॉलर, बोलिए आपका नाम बताइए और क्या कहना है आपका। हाँ सर, मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ सर। सर मैं ये कहना चाहूंगा, आपको सलूट करना चाहूंगा सर। पहले सर आपने हर मुद्दे पर प्रोग्राम किया है, चाहे भ्रष्टाचार हो चाहे राजनीति हो, हर पार्टी के खिलाफ किया है, मीडिया के खिलाफ किसी भी चैनल ने नहीं किया। तो मैं आपको सलूट करना चाहूंगा, और हमें एक सवाल ही मेरे में उठ रहा है कि सर आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपके साथ कौन खड़ा होगा। बिल्कुल, क्या नाम है आपका? महेंद्र बोल रहा हूँ सर। कहाँ से बोल रहे हैं? महाराष्ट्र से। बिल्कुल, क्या आप हमारे साथ मीडिया के कुछ गेस्ट भी बैठे हुए, इनके लिए क्या कहेंगे? इन्हें भी मैं सलाम करना चाहूंगा सर कि आपके साथ आए हैं, क्योंकि मैंने सभी चैनलों को जनरली मैं देखता रहता हूँ, स्टूडेंट हूँ मैं भी, लेकिन मैंने कहीं किसी भी चैनल में ऐसा नहीं देखा और ना किसी ने दिखाया इन लोगों को इतने सही तरीके से। अगर ये लोग ही ऐसा करेंगे तो हमारा जो भरोसा है, हम आगे बढ़ने की जो प्रवृत्ति है, वो कहीं ना कहीं रुकती दिख रही है सर। मैं मनोज जी के पास जाऊंगा। मनोज जी, ये जो मुद्दा है, जो कि मैंने बोलने में भी कहा लेकिन इस पर हमने चर्चा नहीं की, इस पर चर्चा कर लेते हैं कि बाकी चैनल इसको क्यों नहीं दिखा रहे हैं। देखिए, हम लोग एक बीमारी से ग्रस्त हैं मीडिया वाले। जैसे किसी डॉक्टर के खिलाफ कोई शिकायत करिए तो उसको उसका निर्णय कैसे होगा कि पहले डॉक्टर्स का एक पैनल तय करेगा कि इनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और डॉक्टर्स की कभी ऐसी मिली भगत हो जाती है कि वो अपने साथी डॉक्टर को बचा लेते हैं। हम मीडिया वाले इसी बीमारी से ग्रस्त हैं। तो मतलब हम आपके खिलाफ नहीं बोलेंगे, आप हमारे खिलाफ मत बोलिए, तो मतलब हम लोग धांधली करते भी चले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये भी चुप और मेरे भी चुप। हाँ, हमारी हम बीमार हैं, बीमार हैं। और क्या कारण है यशवंत जी? मुझे लगता है कि जो ये टेप हैं उसमें तो 5-6 बड़े घरानों के नाम सामने आ चुके हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया को मैनेज कर दिया, उसकी वाट लगा दी, राडिया खुद बोलती हैं, और दैनिक भास्कर के अग्रवाल के बारे में कि ये लोग बड़े छोटे लोग हैं, धंधा बहुत बड़ा हो गया इनका, वो बात खुद कहती हैं। एनडीटीवी की बरखादत फंसी हुई है, हिंदुस्तान टाइम्स के वीर सिंह भी फंसे हुए हैं, और जाने कितने ऐसे मीडिया हाउस होंगे जिनको मीरा राडिया ने मैनेज किया होगा, करोड़ों के लाभ पहुंचाए होंगे। बिल्कुल, और भी नाम मुझे लगता है यशवंत जी लेने चाहिए, क्योंकि लोगों को नाम ही पता नहीं है, जैसे प्रभु चावला है, राजदीप सरदेसाई है, क्योंकि ये नाम अगर हम नहीं लेंगे इन कार्यक्रम में तो लोगों को पता ही नहीं कि ऐसा इतना बड़ा कुछ षड्यंत्र इस देश में हो चुका है। बिल्कुल,
मैं आपकी बात से सहमत हूं और इस पे तो जन जागरण अभियान चलना चाहिए, और खासकर जैसे नेताओं के बहिष्कार और नेताओं के खिलाफ लगातार जनता के लिखने, ब्लॉग लिखने, रैलियां, आंदोलन करने का सिलसिला शुरू होता है, वैसे इस देश के लोगों को ये जो बड़े मीडिया हाउस हैं जो कि अब सत्ता संरक्षित हैं और इनके जो कंटेंट के लीडर हैं, ब्रांड एम्बेसडर जिनको आप कह रहे थे, जो कि बरखा दत्त हैं, जो मानी जाती हैं, आप जानते हैं कि हर बड़े मीडिया हाउस में विज्ञापन विभाग अलग होता है, एडिटोरियल अलग होता है, मार्केटिंग के लोग अलग होते हैं, लेकिन क्या जमाना आ गया है कि अब पत्रकारों से ही, जो उनके कंटेंट लीडर हैं, उनसे ही पेड न्यूज करवाया जाता है, उनसे नेताओं से पैकेज लिया जाता है, और अब तो उससे आगे कि कौन मंत्री बनेगा, कौन परियोजना पास होगी, कितना कमीशन मिलेगा, इस सब में इतने बड़े बड़े लोग हिस्सेदारी करने लगे हैं। कभी कहा जाता था, हम लोग सुनते थे कि संपादक के कक्ष में घुसने से पहले मंत्री भी कांपता था, अनुमति लेता था, और संपादक नहीं मिलता था, एक वो जमाना था। लेकिन अब देखिए वो जमाना है कि जब हमारे संपादक लोग खुद दलालों से बात करते हुए पकड़े जाते हैं और मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही है, और शर्मनाक तो ये है कि ऐसे लोगों को उनका उनके संस्थान बचा रहे हैं। जब इंडिया टुडे में शंकर अय्यर थे, उनके 6 टेप हैं जिसमें उन्होंने लंबी बातचीत की है, प्रभु चावला से लंबी बातचीत हुई है, पर्सपेक्टिव पूछती है रियल आइडिया में, तुम्हारा प्रभु पर्सपेक्टिव जानना चाहती हूं, और वो पर्सपेक्टिव देते हैं कि इस देश में न्यायालय से सब कुछ फिक्स हो सकता है और क्या क्या बातें होती हैं। इन सारे टेपों को सुनाया जाना चाहिए और इस पर मुझे लगता है कि सिलसिलेवार कार्यक्रमों की जरूरत है। बिल्कुल, हमने इसको काफी चलाया है और भी चलाएंगे, लेकिन बिंदास बोल में हम लोगों के लिए इस मुद्दे को लेकर आते हैं और लोगों को कहते हैं कि इस पर आप बात करिए। अगर नेता भ्रष्ट है, उसके पुतले जलाए जाते हैं, उनके खिलाफ देशभर में अगर FIR की जाती है, तो भ्रष्ट पत्रकारों के खिलाफ, भ्रष्ट मीडिया वालों के खिलाफ पुतले जलाना, उनके खिलाफ FIR करना, उनके खिलाफ आंदोलन करना, लोगों में रोष उत्पन्न करना क्यों नहीं हो सकता? हम देश के सारे एक्टिविस्ट कार्यकर्ताओं को, संगठनों को, सामाजिक संस्थाओं को, राजनीतिक दलों को भी कहेंगे कि इन लोगों के खिलाफ भी कुछ करिए, कुछ बोलिए, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि इनकी जो तथाकथित इमेज इन्होंने वॉश करके रखी है, उसकी सच्चाई, काला दाग, इनका काला चेहरा लोगों के सामने आना चाहिए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, देखते क्या कहते हैं। हेलो, नमस्ते, मैं चिखली बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, चिखली बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ मैं। आज का जो विषय है, पत्रकार दलाली करने लगे हैं, तो दलाली के बहुत से रास्ते हैं, लेकिन सबसे अच्छा रास्ता पत्रकार का दलाली करने का, ये रास्ता सबसे अच्छा और बेहतर है, जिसके लिए कोई खर्चा ही नहीं लगता है। एक पेन उठा दिया, एक गर्दन ले लिया, एक मीडिया का या तो फिर कोई न्यूज पेपर का एक पत्रकार बन गया, हर ऑफिस में जाते हैं। हाँ बोलते रहिए आप। सारे लोगों से वो ब्लैकमेलिंग करते हैं, या तो तुम्हारा नाम छपवा देते हैं, या तो तुम्हारी बदनामी करते हैं, इसी तरह से सब तरफ, सब जगह जगह पे ये पत्रकारों ने दलाली चालू कर दी है, जिससे पूरे लोग तंग आ चुके हैं। धन्यवाद। पत्रकारिता दलाली का आज सस्ता रास्ता और अच्छा रास्ता बन गया, ऐसा हमारे कॉलर कह रहे हैं, महाराष्ट्र के और विदर्भ ऐसे एरिया से बात कर रहे हैं जहां पर वैसे कि बहुत ज्यादा मीडिया का एक्सपोजर नहीं है, तो दिल्ली में क्या होगा? और NDTV जैसे अपने आप को 2-3 नंबर में लाने वाला चैनल और अपने आप को लगातार 10-12 सालों से एक नंबर कहने वाला, आज तक का कितना प्रभाव होगा, ये भी हमने समझना जरूरी है। अब हम आपको टेप भी सुनवाएंगे, अब हम आपको उस टेप के एक एक शब्द का विश्लेषण भी करेंगे, उस टेप का हम कहेंगे कि आप मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी करिए, क्योंकि जिस टोन में इन भाषा को, इन शब्दों को एक दूसरे तक पहुंचाया गया है, उससे समझ में आता है कि गहराई इन दोनों में कितनी है। हमारे साथ बैठे पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार भी इसको विश्लेषित करेंगे, आप भी सुनिए, आप भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। लेकिन इन सब के साथ साथ हमको यह भी ध्यान में रखना है कि ये तो कुछ चंद टेप हैं, हमारे भी मर्यादा है, 1 घंटे के कार्यक्रम में हम आपके सामने थोड़ा सा दिखा रहे हैं। हालांकि सुदर्शन पर और भी आपके सामने ये सारे टेप हम दिखाते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, लेकिन ये सिर्फ एक छोटा सा कोण है इस पूरे बड़े षड्यंत्र का, इसके पूरे स्थिति को हमने समझना चाहिए। और जब इतने बड़े नाम सामने आते हैं तो उन नामों के पीछे की पूरी कितनी बड़ी चैन है उसको भी उजागर करके देखना चाहिए। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, उनसे बात करते हैं, देखते क्या कहते हैं। हेलो, आप लाइव में जुड़ चुके हैं, बोलिए।
शायद कॉलर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम कॉलर को कहेंगे कि आप जैसे ही फोन कनेक्ट होता है आप अपने टीवी के आवाज के रिस्पांस पर मत जाइए, अपनी बात को रखिए, तो शायद आप ज्यादा अच्छी तरीके से बात कर पाएंगे। हेलो हेलो नमस्ते सुरेश जी। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने कोई इतना अच्छा मुद्दा आज समाज के सामने रखा है कि जो समाज में हो रहे शोषण की आवाज जनता के सामने रखता था, आज वही माध्यम वही मीडिया खुद इस देश का भ्रष्टाचार के माध्यम से शोषण कर रहा है, उन सब के लिए तो मैं निंदा करता ही और आपको बधाई देता हूँ। और ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने इस चीज का पर्दाफाश करने में सहयोग दिया, यशवंत जी और अपने नाम है, मैं इनका नाम भूल गया, बैठे हैं जो गेस्ट हमारे, इनको भी मैं अभिवादन करता हूँ कि उन्होंने भी अपनी बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया दी है जो समाज के लिए। प्रेस शब्द का जो अर्थ मैं समझता था पीसफुली आर से रिवोल्यूशन और इंप्रेस करके वो सोसाइटी को एक सोल्यूशन देता था मीडिया, लेकिन आज वही मीडिया टैक्ट यानी एक समझौता करके रेवेन्यू जनरेट करके अपना इंटरेस्ट दिखा करके समाज में अपना एक स्टेटस सिंबल बनाने में लगा हुआ है। आज प्रेस की बिल्कुल परिभाषा बदल दी है इन लोगों को और ये बिल्कुल बहुत कड़ी सजा के हकदार है। ऐसा समाज में संदेश दिया है, जैसे एक मेरे से पहले एक कॉलर ने बोला था कि ये जो मीडिया है वो चौथा स्तंभ होता है। जब तीन स्तंभ पहले भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आगे थे तो लोग ये कहते थे कि ये मीडिया की वजह ऐसा है कि आज भ्रष्टाचारी जनता के सामने नंगे हो रहे हैं, लेकिन जब मीडिया के लोग ही ऐसा करेंगे तो इस देश का रखवाला कौन होगा? मीडिया ही अगर ऐसा करेगा तो देश का रखवाला कौन होगा, ये हमारे कॉलर पूछ रहे हैं। अब हम आपको वीर सांगवी और नीरा राड़िया इनके बीच की बातचीत दिखाते हैं, सुनाते हैं, आप देखिए कितनी गहराई है इस बातचीत में। उसके साथ बातचीत खत्म होते ही हम विश्लेषण भी करेंगे, लेकिन ये नीरा राड़िया और वीर सांगवी, वीर सांगवी पहले हम टेप को दिखाएंगे और उसके बाद कॉलर को लेंगे। हम कॉलर को कहेंगे कि आज हम आपको ज्यादा टाइम इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि टेप भी सुनाने और हमारे साथ जो गेस्ट है उनकी प्रतिक्रिया भी उस पर देनी है, इसलिए नीरा राड़िया और वीर सांगवी इन दोनों के बीच की ये बातचीत। हाय नीरा। हाय वीर। वेयर आर यू? दिल्ली और आई एम इन जयपुर। कमिंग बैक दिस इवनिंग। ओके, आई जस्ट वांटेड टू I've been talking to my Tamil Nadu friends. Okay. I just need to, I don't know whether you are in a position to get through to anyone at Congress. I just met Kani just now. Okay. And I've been, you know, we've been at it since yesterday. The problem is... I was supposed to meet Sonia today, but I've been stuck here, so now I'm coming tomorrow. I've been dealing with Rahul, but tell me. No, I'll tell you what they need. They're not understanding that they're actually communicating with the wrong guy. Not because...